हेलो स्टूडेंट, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। तो आज है 3 जनवरी 2021 और हम लोग कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे 11.2, जिसमें से मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो है 13 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स आपकी क्वेश्चन है और इसे निकालना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, निकालना है आपको एस डी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स आपको निकालना है, एस डी निकालना है, एस डी। तो ये जो आपका लाइन का इक्वेशन दिया है, ये हम लिखेंगे गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, देख लीजिए यहां से, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई पर कैप प्लस टू जे पर कैप प्लस के पर कैप और दिया है प्लस लैम्डा इनटू दिया है, देखिए आई पर कैप माइनस जे पर कैप प्लस के पर कैप, ठीक है। फिर दिया है एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू टू आई पर कैप माइनस जे पर कैप माइनस के पर कैप प्लस म्यू इनटू टू आई पर कैप, ठीक है, सुनाई दे रहा है, टू आई पर कैप प्लस जे पर कैप प्लस टू के पर कैप। तो देखिए ये जो एक लाइन का इक्वेशन जो दिया है ये वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म आपको पता है कि मैंने पढ़ाया था इस तरह से, वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी वन एंड वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए टू प्लस म्यू इनटू वेक्टर बी टू, ठीक है। यहां से अगर इस दिए हुए वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन से जो हम अगर इसे कंपेयरिंग कराते हैं कि ये होगा ए वन, ये होगा ए टू और ये होगा बी वन, ये होगा बी टू, जो लैम्डा का कोफिशियंट है वो बी वन होगा, जो म्यू का कोफिशियंट है वो बी टू होगा। तो चलिए यहां सब करते हैं। तो आपको पता है कि जब कोई लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होता है तो एस डी की फॉर्मूला क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अपॉन वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू की मॉडुलस, होल की मॉडुलस। ऐसा कोई लाइन का इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में होता है तो यदि उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फाइंड करनी हो, निकालनी हो, तो ये एस डी लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अपॉन वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू की मॉडुलस, होल की मॉडुलस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होती है जब कोई लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म यही है, तो ये वाला